नमस्कार, आप देख रहे हैं बुराइल न्यूज। Dear brothers and sisters, today I would like to say a few words on the about the incident which took place at Cachar. Actually, we do not blame to the state government, but the persons who were involving in brutally killings of two innocent youths. What they did to them, huh? We feel very pain. They are innocent. And they were brutally killed. And so, the person who were involved in the killings should be given a good punishment. They need to be hanged. Imagine, just imagine, if they were your brothers and sisters, the accused were, how will you feel it? We feel very pain, actually. So, we demand judicial inquiry immediately. And we request that some government to give a big help to a bereaved family. And this accused innocence, Lal Lung Oi, Lal Bek Kum, and Joshua, you will remain in our hearts forever. May your soul eternal rest in peace. Thank you. आज में जो हम लोग का ये रैली हुआ है, ये हम लोग का जो 16 जुलाई को हुआ था, हम लोग का ये इंसिडेंट दुर्घटना हुआ था। ये बहुत दुख का बात है कि हम लोग का ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पालन नहीं हुआ। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सब इंडिया के जो जनता के लिए है, सबके लिए है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि हम लोग का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22(2) जो में जहाँ में लिखा हुआ है कि जो कानून का जितना रखवाला करना है वो सब पालन नहीं हो के जैसा लोग का हालत किया था। हम लोग का तीनों भाई जो लोग का नाम है ललबेक कुम्हार, ललुंग ओम्हार और लरिनसांग, वो लोग का तीनों को इतना बुरी तरह से मार दिया कि हम लोग का ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। ये एक मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक ये है और हम लोग आशा करते हैं कि ऐसा घटना और नहीं होने के लिए हम लोग सरकार से विनती करते हैं कि ऐसा घटना और नहीं होने के लिए और सबको इतना न्याय देने के लिए, सब ये हम लोग को न्याय चाहिए। जितना आज में यहाँ पे रैली में इकट्ठा हुआ है, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग को न्याय नहीं मिलने से और कैसा होगा, और आने वाले समय में हम लोग का कैसा होगा, ये सब हम लोग को पता नहीं है। लेकिन भी आज में जो घटना हुआ है और दूसरे के ऊपर में भी आ सकता है, इसलिए हम लोग विनती करते हैं कि हम लोग का जो सरकार है और न्याय का जो जितना हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है, जितना हाई कोर्ट है, हम लोग को ये पूरा न्याय हम लोग का सबके लिए देने के लिए हम विनती करते हैं। आज में जितना यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, हम लोग सरकार को बहुत दिलो जान से हम लोग विनती करते हैं। इसी तरह डिमा हासाओं से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए बुराइल न्यूज़।